स्वागत है। आज मैं स्वीट डिश नारियल का लड्डू बनाना आपको सिखा रही हूँ। मेरा ये तरीका एकदम अलग है। मैं कच्चे नारियल को थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उसको पीस लेती हूँ और उसके बाद उसमें शक्कर मिला के बनाती दिखाती हूँ आपको मेरा क्या क्या सामान लगेगा। ये है कच्चा नारियल, ये है इलायची पाउडर, ये है दूध और ये है शक्कर। एक कटोरी यदि ये एक कटोरा भर के है तो आधा कटोरा इसमें शक्कर लगेगा और एक पाव दूध लगेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा दूध डाल के मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लूँगी, एकदम चिकना पीसूंगी और उसके बाद कढ़ाई में इसको बिना घी तेल का भूंजूंगी और लड्डू बनाऊंगी। दोस्तों इस तरह से मेरा पीस के ये इसकी पीठी तैयार हो गई है। दूध और नारियल को मिला के मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया, बारीक महीन पीस लिया। अब इसको मैं कैसे बनाते हैं वो आपको दिखा रही थी। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। अब मैं आधी कटोरी इसमें शक्कर डालूंगी, शक्कर डाल के इसको पकाते रहूंगी। पक जाएगा जब ये तो लड्डू बनने लायक इसका वो तैयार हो जाएगा दो, तब मैं इसको उतार लूंगी। फिर मैं आधी कटोरी शक्कर डाल रही हूँ। इसमें घी भी कुछ नहीं डाली हूँ मैं, खाली दूध डाल के इसको पीसी हूँ और शक्कर डाल के इसको भून ली। देखिए ये ऐसे ही पकेगा और जब एकदम गाढ़ा हो जाएगा, डो तैयार हो जाएगा ये इसका, तो फिर मैं उसको उतार लूंगी। लड्डू बनाने लायक हो जाएगा तो उतार के फिर थोड़ा सा इसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के बाद मैं इसका लड्डू बनाऊंगी। कुछ नहीं लगता, बिना घी तेल का सबसे अच्छा ये नाश्ता लड्डू का बन के तैयार है। उसको अब इसकी कस्टम देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए इसको उतार के ठंडा करके फिर मैं लड्डू बनाऊंगी और वो पक्के एकदम तैयार हो जाएगा। देखिए ये हो गया, अब लड्डू बनाने के लिए तैयार हो गया। अब इसको इसमें मैं पाउडर डाल दी हूँ, उसका इलायची पाउडर डाल के इसको अच्छा स्मैश कर दी हूँ। दोस्तों मेरा लड्डू बन के तैयार हो गया। केवल दो नारियल है, आधा किलो दूध में मेरा कम से कम 25 लड्डू बना है और बहुत स्वादिष्ट बना है देखिए। और इसमें न घी है न तेल है, कोई चीज़ नहीं है, खाली दूध और नारियल का है। और ये जैसे जैसे सूखेगा इसका कलर बहुत सुंदर आएगा, इसमें इतना सुंदर कलर इसका आ जाता है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है ये लड्डू। आप बनाइए खाइए मून्स किचन में। आप सब्सक्राइब जरूर करिए, अच्छा लगे तो आप लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।